छड़ी पानी मसूरी में नहाने के बाद रिटर्न जर्नी फ्रॉम झड़ी पानी टू शहनशाही आश्रम। राजपुर विलेज के नज़दीक शहनशाही आश्रम से मसूरी तक की ट्रेल को कुछ लोग किपलिंग ट्रेल भी कहते हैं। इन द ईयर 1880 द इंग्लिश ऑथर रडयार्ड किपलिंग इज़ बिलीव टू हैव ट्रैक दिस ट्रेल एंड द वॉक डिस्क्राइब्ड इन हिज नॉवल किम इज़ थॉट टू हैव बीन थ्रू दिस ट्रेल। द रूट ऑफ दिस ट्रेल स्टार्ट्स फ्रॉम द शहनशाही आश्रम इन राजपुर विलेज एंड इट गोज़ टू झरी पानी एरिया एंड फर्दर टू बार्लोगढ़ near St. George's College. From there one can continue to Mussoorie Library and to Lal Tibba. ये हमारी सुबह वाली केव, जब सुबह दिन को व्यू क्लियर नहीं आ रहा था, अब व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अब शाम हो गई है और ये देखो आज की हमारी कर्म भूमि, हम यहाँ से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं इस पहाड़ के पीछे से। आज का दिन कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा इज अंडरस्टेटमेंट। वेरी नाइस। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे सारे दिन ऐसे ही जाने चाहिए। सुमन ये देखो हमारा सेट आउट। हाँ। टेंपल दिख रहा है? दिख रहा है। जहाँ जहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं ये। हाँ। असम ने बहुत पहले से किया है। ये शहनशाही आश्रम। गाना गाओ। ये हंसी वादियाँ। अच्छा हाँ, गाना भी किसको? नहीं मैं तो गा नहीं पाता हूँ लेकिन यू सिंग वेल। ये डबिंग करा लेंगे जो इंडिया रॉयल्स में मनीषा मैम एंड राजेश्वरी मैम एंड ग्रुप, उनको बोल देंगे डबिंग करके एक सॉन्ग। देखो ये वाला टेंपल है। हाँ, वो जो वहाँ से भी देखा था जो सिर्फ अटेम्प्ट कर रहा था। हाँ, ये हाँ, ये पहाड़ पे ये वाला ऑरेंज कलर का, ये हमारा फेवरेट सिट आउट है। हाँ, घर के इतना नज़दीक है। हाँ, कई बार तो मैं यहाँ दौड़ते हुए आ जाता हूँ। ये बैनियन ट्री है ना? हाँ। वही पीपल ट्री तो आजकल दिख जाते हैं बहुत, लेकिन बैनियन ट्री कम ही दिख रहा है। इसके ब्रांचेस कैसे हैं? फ्लावर के जैसे। हाँ ऊपर से एक जगह से सारी ब्रांचेस एकदम ऐसे छाते की तरह, अम्ब्रेला की तरह। हाँ ऊपर वाला पार्ट कट किया होगा जब छोटा रहा होगा ना। देखो यहाँ से दिख रहा है पूरा अम्ब्रेला वाला शेप आ रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा कोई बीच अम्ब्रेला होगा। सुमन हाँ जी, यही है शहनशाही आश्रम। इसी के लिए वो बोल तो यही रहे थे सुबह वो बोल रही थी। अच्छा है यार ये बहुत अच्छा। हम लोग कितनी बार आए यहाँ नज़दीक लेकिन यहाँ ऊपर कभी नहीं चढ़े थे। रूम्स वगैरह पर कोई ऐसे बर्ड्स की भी कितनी आवाज आ रही है। फ्लैग भी पता नहीं कौन सा है। ये आगे है कोई लोग, ये इनका ही होगा ना आश्रम वालों का। अच्छा बना रहे हैं ना शहनशाह जी लिखा हुआ है स्मारक सत्य स्वरूप श्री महात्मा शहनशाही जी महाराज। नीचे लिखा ना 1883 1953 वो उनका जन्म इतना 73। लेकिन हम कितनी बार यहाँ से गुजरे हैं, नीचे से हम लोग चले जाते थे ऊपर कभी आया नहीं। बिल्कुल सही कहा जी आपने। शान
हाँ आसपास व्यू भी इतना अच्छा है। ये देखो हमारा जो सिट आउट वाला जो टेंपल है, यहाँ पे हम लोग आके बैठते थे कितनी बार। तो चलो अभी रिटायरमेंट के बाद तो अब जाके ही तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो टाइम रहता है तो निर्माण का टाइम है जनवरी 2004। समाधि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, निर्वाण 14 जनवरी 2004। और ये ओम, अटैचमेंट इज डेथ, नॉन अटैचमेंट इज लाइफ। सही है यार, बट ये ज्ञान से तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि हम तो मोह माया, मैं तो इस जगह से मेरा अटैचमेंट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा देखने के बाद। लिख तो रहे नहीं, जगह क्या, सभी सही अटैचमेंट, मतलब वो कहते हैं ना पावर ऑफ डिटैचमेंट रखना चाहिए, तो थ्योरेटिकली पता ही है सबको, बट हम लोग कर कहाँ पाते हैं। शहनशाह आश्रम ट्रस्ट, हाँ ये एरिया भी, पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है, उसके छोटे छोटे कॉन्स अभी शुरू हुए हैं, कॉन्स लग रहे हैं फ्लावर्स। हाँ ये काई का है, चीड़ है ना, पाइन है ना, इट्स नॉट देवदार। हाँ अच्छा लग रहा है यार, वाओ। नॉर्मली ये ऐसे स्ट्रेट, बहुत कोकोनट ट्री की तरह स्ट्रेट बढ़ता है ना, नहीं नहीं ये ऐसे ही होता है, इतना नीचे से थोड़ी होता है, नहीं काफी ऊंचा जाके तब ब्रांचेस निकलती है ना, नीचे से बहुत, जो नीचे वाला पार्ट है स्टेम वाला बहुत लंबा होता है, ज्यादा जल्दी से दिखाई दे रही है और ये ब्रॉड भी ज्यादा है, जनरली थोड़े और पतले रहते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, कि इतना ब्रॉड नहीं होते हैं एंड उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है एंड ब्रांचेस बहुत ऊपर जाके निकलते हैं। उसमें देखो रेजिन निकालने के लिए वो भी बना रखा है, रेजिन निकालते हैं ना इससे। हाँ इसका सैप कुछ निकालते तो हैं, इनफ्लेमेबल होता है वो, जलता है ना वो, काफ़ी जलने में हेल्प करता है। हाँ ये देखना, पुराना कोई पेड़ है, पेड़ सूख गया है, पेड़ ड्राई हो गया एंड ये पीपल के पेड़ ने उसमें अपना घर बना लिया, या हो सकता पीपल के पेड़ ने सुखाया हो। ये देखो ये जो पुराना पेड़ अभी पूरा सूख चुका है, ये कोई पुराना मंदिर है। हाँ यहाँ कोई नहीं आता होगा, तो एकदम डेजर्टेड जगह लग रही है ना एकदम। यहाँ आके थोड़ा ओपन एरिया है, यहाँ ओपन एरिया है ना थोड़ा। हाँ। ये सर्विस में होगा क्या मंदिर? हाँ। वो तो उसमें आगे जो अंदर में ना पूजा का स्थान। यहाँ से जो आश्रम के लोग हैं ना वो लोग आके करते हैं, अगर आश्रम के तो नजदीक हो है तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर के लोग नहीं आते। अलग ही फील है ना सुमन ये जगह की, और जैसे अगर मैं जैसे अगली बार किसी को लाऊं कि जैसे हमें अच्छा, तो वो फिर वो बात आती नहीं है कि हाँ नहीं नहीं, और फिर उस दिन कैसा वो है, क्लाइमेट कैसा है, लोगों का मूड कैसा है, कई जैसे ऐसे मैं सोचता हूँ कि इतनी अच्छी जगह चलो किसी और को लेके आएंगे दिखाएंगे, बट वो मोस्टली मतलब जितनी बार ऐसे मैंने ट्राई किया वो फील आता नहीं। बहुत पहले का बना हुआ है,
हाँ काफी पुराना, जैसे हिंदी पिक्चरों में दिखाते थे एकदम पुराने मंदिर। सुमन हाँ जी हम कभी नीचे, जो मैं बोल रहा हूँ कि नीचे आते थे, यहाँ कभी आते नहीं थे। हाँ आज भी मेरी क्यूरियोसिटी मुझे खींच ले आई, हाँ वो तो है। हाँ मुझे दिखा दूर से तो मैं मतलब कभी ट्राई नहीं किया, चलो आज चलते हैं। अच्छा किया ना आ गए बढ़िया, हम। हाँ बढ़िया था, मुझे पता नहीं लगता। मुझे तो ऐसी जगह बहुत अच्छा लगता है। वो देखो वो बिल्डिंग क्या पुरानी, वो भी कुछ स्कूल, स्कूल टाइप का लग रहा है। हाँ कुछ बहुत पुरानी है, वो भी ऐसे लग रही पुरानी सी बिल्डिंग, गांव का कुछ हो गया या फिर ये तो कुछ ये ऊंचा ऊंचा वाला कोई शिरडी के साईं बाबा की भी। सही बात है। इसकी जड़ों से पूरा ये चबूतरा टूटने लग गया है, फिर साथ में भी बनाना था क्या चीज़? ये भी, मैंने कहा वो उसकी पेड़ की जड़ों से ना टूटने लग गया सीमेंट का पूरा चबूतरा। हाँ वो याद है पोर्ट ब्लेयर में, रॉस आइलैंड में कितने मोटे मोटे पत्थर की, मतलब ऑलमोस्ट वो तो पूरे नहीं भी तो बिल्डिंग ही, तीन तीन फीट की दीवार है वो, पूरा अब पुराने जमाने पेड़ों की ने बिल्डिंग कैसे थोड़ी उसको पूरा। उस समय की, मतलब उस टाइम की है वो बिल्डिंग्स कितनी होती नेचर टेक्स ओवर। है। हाँ वो तो है।